इंडिया में पहली बार आप लोग को स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट के साथ फाइनली कोई एक फोन देखने को मिलेगा। उसके साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्लेक्स रेट, कमाल का क्वालिटी का कैमरा, सुपर फास्ट चार्जिंग। ऐसा ही कोई फोन को कि आप देखना चाहते हो कि वाह क्या परचेस करना चाहते हो, तो गाइस वीडियो को एंड तक जुड़े क्योंकि गाइस ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। इंडिया में लॉन्च हुआ था रियलमी GT, बट इसका भी अपग्रेडेड वर्सन रियलमी GT मास्टर एडिशन के नाम से आप लोग को बहुत ही जल्दी एक फोन देखने को मिलेगा। इससे हाईलाइटिंग फीचर बन जाता है इस फोन का 5G चिपसेट इंडिया में पहली बार स्नैपड्रैगन 778G। यस गाइस ये प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। इस प्रोसेसर में आप लोग को जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो पूछो ही मत, एकदम ताकतवर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसका जो क्रायो है वो 670 CPU है और इसका जो एड्रिनो है वो 642 LGPU है। इस फोन के में आप लोग को डे टू डे टास्किंग बोलो, गेमिंग एक्सपीरियंस बोलो, सब कुछ कमाल का मिलेगा। ओवरऑल इस प्रोसेसर में आप लोग को बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ ही फोन का और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है उस फोन का रैम वेरियंट। यस गाइस इस फोन में आप लोग को दो रैम सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक होने वाला है 8GB और दूसरा 12GB। उसके साथ ही आप लोग को 128GB स्टोरेज एंड 256GB स्टोरेज का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और LPDDR4X RAM बट UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट इस बार देखने को मिलेगा, जो आपके डे टू डे टास्किंग और ऐप ओपन क्लोज में जो बहुत ही आपके फोन को स्मूथली एक्सपीरियंस कराएगा। RAM तो ठीक है, बट इस फोन का डिस्प्ले भी आप लोगों को कमाल का देखने को मिलता है। 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्लेक्स रेट, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बूस्ट अप कर देगा और आप लोग को डिस्प्ले यूज करने भी बहुत ही स्मूथ मजा आने वाला है इस फोन की डिस्प्ले में। इस बार का डिस्प्ले आप लोगों को बहुत ही ब्राइट और गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके साथ ही इस फोन की कुछ इंटरेस्टिंग एंड हाइलाइटिंग फीचर की बात किया जाए तो गाइस ये फोन आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 और रियलमी UI 2 पर बेस्ड होगा। उसके साथ ही 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, जो काफी कमाल का चीज है। और उसके साथ ही ये फोन अराउंड 176 ग्राम का देखने को मिलता है। ये फोन काफी स्लिम और काफी लाइट वेट आप लोग को देखने को मिलता है। ये सब चीज को मैनेज करने के लिए चाहिए एक बैकअप, मतलब फोन का बैटरी। तो उसी तरीके से इस फोन में आप लोग को 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलता है। उसके साथ ही 65W रियलमी का सुपर डार्ट चार्जर आप लोग को देखने को मिलता है, जो आपके फोन के बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। और आखिर में आ जाते हैं इस फोन के कैमरे के ऊपर। सचमुच इस फोन का कैमरा आप लोग को सचमुच बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का और एक सेंसर देखने को मिलता है। कैमरे पर आप लोग को साइड में फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद जो प्रोटेट जो जूम करते हैं, उसके अलावा भी कैमरे पर आप लोग को बहुत ढेर सारे फीचर देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी आप लोग को सचमुच बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ ही काफी डिटेलिंग और काफी शार्प फोटो निकल के आता है। और उसके साथ ही इस फोन की अगर सेल्फी की बात की जाए तो गाइस सेल्फी में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी देखने को मिलता है और रियर और सेल्फी दोनों में आप 4K वीडियो निकल सकते हैं। इस फोन के कैमरा से आप लोग को बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगा, इस फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलता है। और आखिर में इस फोन की अगर लॉन्चिंग डेट एंड प्राइसिंग की बात किया जाए तो गाइस अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया है इस फोन से प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग डेट से रिलेटेड। कुछ भी आता है तो गाइस मैं आप लोग को आगे में वीडियो में जरूर अपडेट कर दूंगा। तो गाइस वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा से अच्छा लगा मुझको कमेंट करके जरूर से बताना। अगला वीडियो के लिए स्टे ट्यून करना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।